तो फ्रेंड्स बेबी शावर शुरू हो चुके हैं। सब उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि आज मेरी बहन की गोद भराई है और आज हम सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। मन तो बहुत था धूमधाम से करने का, लेकिन कुछ कारणों से कर नहीं सकते। तो जो भी होगा आज पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम आ चुके हैं पापा के घर और आज का बेबी शावर का प्रोग्राम पापा के घर में ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसका गोद भराई का फंक्शन है वो काम करिए और हम लोग अभी तैयार होके आ रहे हैं। मेरी बहन काम में है बहुत ज्यादा। अरे अरे छोटी मुन्नी, तुमने अभी तक नहीं नहाया है क्यों? है? हाँ? क्या करोगे यार आदि? ये रो रही है। तुमने तो नहा लिया, इसका सर का ये ठीक हो गया है? हाँ। बाप रे, पक गया क्या? सफेद सफेद हो गया। इसी नहीं के डॉक्टर ने कौन सा मांस उठ गया था ना, वही मांस ऐसा हो गया मांस। हाय रे, ये किसको क्या हुआ है? इसका बुआ घर जाना है, भारती के घर। हाँ। और पीछा कहाँ है? पीछा पीछा कोई ओ जे पबजी खेल रहा है क्या? सुबह सुबह तैयार होके ये यालो यालो डट्टी फालो। आज है छुट्टी हस्बैंड का और यहाँ पे सुबह सुबह तैयार होके आ गए हैं। काम करने के लिए आए थे, तुम पबजी क्यों खेल रहे हो? मैं बोला मटर वटर दे दो, छीलता हूँ मैं, मच्छी धोऊंगा। क्या बोला? नहीं। तुम मछली धोगे तो कोई खा ही नहीं पाएगा। ये सब फालतू काम नहीं करते। तू धोगे दे फिर? लीला धो तो मैं बनाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ मैं फ्राई करूंगा। हम लोग बना नहीं सकते क्या? सब बना। अच्छा ठीक है, बोल ऐसे तू ही बनाएगी। नहीं कुछ मदद करने होता तो कर देंगे। अरे बाबा ये मिर्ची का चार, मिर्ची का चार, मिर्ची का चार। ओ मेरा मेरा फेवरेट मिर्ची का चार कहाँ से मिला? अभी सोर्स नहीं, मिर्ची का चार मेरा फेवरेट है, मिलता ही नहीं है, पेट में रहता है ना। एक बार तुम डिब्बा में लाए थे छोटे छोटे हरी मिर्च के चार, है ना? बहुत टेस्टी था। यारी जोर शोर से चल रही है फ्रेंड्स। दीदी और देखिए सब्जी काट रही है लीला, और इधर बहुत सारे सब्जी काट के रखा है, भाजा बनाएंगे और खीर मछली बहुत तरह का सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स खाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले बिठा दिया है खीर, और हमारे बंगाली में क्या बोलते हैं, बेबी शावर में खीर सबसे ज़्यादा मेन होता है। और इधर मैंने भुजिया, पांच तरह का भुजिया बनना शुरू हो चुका है। अभी फर्स्ट आलू भून रहा है। तो ये देखिए मछली, और ये मछली का मुड़ा, ये सब आज बनने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए सब लोग आ चुके हैं और मैं चाची भी आ चुकी हैं, और वो और ममता दोनों मिलकर खाना बना रही हैं। चाची क्या बना रहे हो? अच्छा बंटो, ठीक है। तो फ्रेंड्स सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, और आज के लिए क्या क्या बना है खाना तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। और ये है मछली का झोल, मतलब फिश ग्रेवी, और ये है बैंगन भाजा, ये साग है, और भिंडी का भुजिया, आलू का भुजिया,
ये है टमाटर की चटनी और ये है बंद गोभी का सब्जी, ये है दाल, ये चावल बन रहा है, चावल बन रहा है, खीर, खीर कहाँ है, खीर अंदर रखा हुआ है और ये इसमें भी चावल है, बाद में दिखाएंगे अभी चावल सब कुछ। तो अभी यही है बन चुका, ऑलरेडी तो सब कुछ बन ही चुका है, बस चावल बनना बाकी है। तो ये सब बनेगा फिर बहन के सामने, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेके एक प्लेट में सजा के उसके सामने रखेंगे। तो फ्रेंड्स बेबी शावर शुरू हो चुके हैं और ये बंगाली रीति रिवाज से अब होगा, सबसे पहले खीर खिलाया जाएगा होने वाली माँ को। और साथ में देखिए कितने सारे बच्चे, तो आप सबसे पहले खीर खाएंगी और उसके बाद फिर पांच तरह की सब्जी से फिर खाना दिया जाएगा। नहीं खाएगी, छोड़ दे उसको। अब मैं भी साथ में बैठ के खीर खाऊंगी। तो खीर खा लिया है, अब पांच तरह की सब्जी तरकारी से अब होने वाली माँ को दिया गया है, अब ये भी खाएंगी, जितना हो सके खाएंगी। तो ऐसा ही होता है हमारा बंगाली रीति रिवाज में बेबी शावर। वैसे आपकी इच्छा हो तो आप कितना भी धूमधाम से कर सकते हो, तो मेन यही होता है हमारे अंदर। तो बहन का खाना होते ही हम सबको खाना दे देंगे, सबको भूख लग चुका है, बहुत टाइम भी हो रहा है, 2:30 बज गए, 3 बज गए। तो चलिए अब सबको खाना परोस देते हैं। तो अब सब लोग खाना खा रहे हैं, घर के लोग जो भी है, ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है, बस अपना रिश्तेदारी है, तो इन लोग खा लेंगे फिर हम लोग खाएंगे। जी जी लग गया कौन तरह बस रही है, इसको किस में फेंकना है, नाली में, अब नाली में फेंकेगी ये। तो ये देखिए दो बर्तन के नीचे दो चीजें रखा गया है, हमारे बंगाली में कहते हैं एक में लड़का रखा है एक में लड़की रखा है, तो जो भी उठाएंगे तो वही होगा। तो एक में दिया रखा जाता है और एक में सिल, तो देखते हैं क्या उठाती है बहन, क्या आएगी इसकी गोद में। अच्छा खाने के बाद आप पान खिलाएंगी होने वाली माँ को। पान खा लिया, तेल सोलता हो जाए, घूमता था घूमता। तो अभी जा रही है, जो बर्तन आप लोगों को दिखाया वो उठाएंगी और पता नहीं देखिए एक में लड़की है और एक में लड़का है, रिवाज है करने होते हैं, देखते क्या उठाते। बेटी उठाई, बेटी उठाई,
भैया कभी तो बेटी हो गया तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं। सब लोग ऑलमोस्ट खा चुके हैं और जो भी नियम हमारे था सब हो चुका है। अब खाएंगे पियेंगे रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर में और सारा काम अच्छे से हो गया। मेहमान भी चले गए हैं और हम भी घर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और मेरे वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ब्लॉग में कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर मुझे लिखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए टाटा बाय बाय।